हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पार्थ और मैं डाउटनेट नीट के इस चैनल पर पढ़ाता हूँ जी विज्ञान बायोलॉजी। आज एक ऐसे वीडियो के साथ में आया हूँ, एक ऐसे मुद्दे के साथ में आया हूँ जिस पे बात करना बहुत 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 जरूरी हो गया है। आज का ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे नीट 22 हो, नीट 23 हो, नीट 24 हो। आज का ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को, इस दिल से बनाए हुए वीडियो को जरूर अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइएगा। आशा करता हूं कि मेरी बात वो लोग शायद समझें। अगर मैं सक्षम होऊंगा बताने के लिए तो जरूर वो मेरी इस बात को समझेंगे। मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं क्लासेस में, क्लास लेने के बाद में, YouTube पे भी, ऐप पे भी, कि सर हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे पर कई सारा बर्डन डाल देते हैं। किस तरीके का बर्डन, किस तरीके का प्रेशर, कि नीट निकालना है, इसी साल निकालना है, इसी साल नीट निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हवा आए, पानी, बरसात, कुछ भी हो, मतलब नीट निकालना ही निकालना। अब ये जो तरीका जो था ना कहने का अपने बच्चों से, ये गलत था। यस, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, हर पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि उसका बच्चा जो है कामयाब हो, नाम कमाए। ये हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है, ये मेरे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन थी। अब मैं खुद एक पेरेंट हूं और मेरे अपने बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन होगी जब वो बड़े हो जाएंगे, और आपके पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि आप कामयाब हो। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जब प्रेशर में तब्दील हो जाती है, प्रेशर में बदल जाती है, एक छोटी सी ये एक्सपेक्टेशन, छोटी सी नहीं बड़ी सी एक्सपेक्टेशन जब ये प्रेशर में बदल जाती है, तो वो बच्चा जो भी बहुत छोटा है, उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो एक एक, एक गली की तरह है, वो छोटे से बच्चे हैं, उनको अपनी जिंदगी में अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे आगे आने वाले प्रेशर्स को झेलना है। आप उनके ऊपर प्लीज इतना बर्डन मत डालिएगा। आप एक्सपेक्ट करिए लेकिन उनको प्रेशराइज्ड बिल्कुल मत करिए। वो अपने पसीने का, वो अपने खून का, मतलब वो अपनी मेहनत का 101% दे रहे हैं, एक एक बच्चा दे रहा है। सो आप उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। और इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी हो चुका है क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, बच्चे वो पेन नहीं ले पा रहे, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं जो सोसाइटी दे रही है। ठीक है, सोसाइटी से ठीक है, कई बार होता है कि प्रेशर आता है आस पड़ोस से, वो निकाल भी दिया जाता है, लेकिन यार पेरेंट्स की बच्चों को जरूरत होती है, वो उनकी तलवार है, वो उनकी ढाल है। आप उन पर प्रेशर मत डालिए बिल्कुल भी, आप उनको सपोर्ट करिए। ये भी मत बोलिए कि नहीं होएगा तो देखी जाएगी, आप ये बोलिए कि तू मेहनत कर। ये मत बोलिए उससे कि ठीक है नहीं होगा तो देखी जाएगी, ना ना ना, ये उनके अंदर एक फिर ये गलत भावना पैदा कर देगा कि पेरेंट्स ने तो बोल दिया है नहीं होएगा तो कहीं और कर। ऐसा मत बोलिए, ये बोलिए कि तू बेटा अपना 101% 101% अपनी मेहनत पर बिलीव कर, अपनी मेहनत कर, ये बोलिए उससे, ये पॉजिटिविटी दीजिए उसको। आए दिन आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में, हालांकि ये कहने वाली बात नहीं है लेकिन मेरे अंदर है, मैं बोलकर ही जाऊंगा, पहले नहीं होता था लेकिन अब सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, इनफैक्ट 10th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा बोर्ड के रिजल्ट नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते। सोचे नीट, आप उन प्रेशर को समझिए।
ये प्रेशर कभी भी नन्ही सी जान को नहीं देना है। कुल मिलाकर बात यह है, आप उनसे प्यार से एक्सपेक्ट करिए, वो डेफिनेटली आपकी आंखों में देखेंगे, आपके सपनों को देखेंगे और अपने सपने वो जरूर पूरे करेंगे। बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालना इस टाइम पर। स्पेशली जो नीट 2022 का एग्जाम देने वाले हैं उन पर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है। प्यार से उनसे बात करिए, उनको सपोर्ट करिए, जो वो चाहते हैं उनको वो दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट कर सकते करिए, डेफिनेटली आपका बच्चा रैंक निकाल कर देगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और इसको जितना ज्यादा जितने भी पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं करिएगा। मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को शेयर करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।